पिक्चर में कि बाकी सब छोड़ो यार, तकलीफ देखो इनकी. लेकिन भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी बात की, सेड लव गेम्स इज अ फिल्म अबाउट लव इन द टाइम्स ऑफ लस्ट. सो यही तकलीफ है कि जहाँ शैलो रिलेशनशिप्स होती हैं वहाँ आप एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं, और तकलीफ तो लोग देंगे अगर आप ऐसी कोशिश करेंगे तो. हाँ, कट हुए थे क्योंकि वो अपना एग्जामिनिंग कमिटी की एक कमिटी थी जिसने देखी थी फिल्म, और हम गए थे, मैं गया था, विक्रम जी गए थे, और विक्रम जी मुझे ले गए थे. एक्चुअली वहाँ पे ना हमने ग्रामर सीखा, इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि आजकल रूल ये है कि आप फक नहीं बोल सकते, मगर फकिंग बोल सकते हैं. इसका मतलब यू कांट यूज अ वर्ब बट यू कैन यूज एन एडजेक्टिव. तो मैं तो भूल गया था ग्रामर. हम वहाँ गए, हमको उन्होंने कहा कि हमने फिल्म, भाई हमको फिल्म बहुत पसंद आई है, मगर क्या है कि मगर क्या है, क्यों हम हमेशा होता है कि वी हैव लाइक्ड इट बट, वो बट के बाद में ही सुनना चाहिए कि उससे पहले का मतलब है नहीं है कोई कॉन्वर्सेशन का. तो उन्होंने कहा कि ये है कुछ वो फक वर्ड निकाल दीजिए. बिच भी तीन बार था. हाँ, वो ड्रंक, तो आप एक ही बार बोल सकते हैं बिच. ऐसा तीन बार नहीं, एक ही बार बोल सकते हैं. और वो ड्रग्स जो कंज्यूम करता है वो निकाल दीजिए. हमने कहा कि अगर ड्रग एडिक्ट को हम ड्रग कंज्यूम करते हुए नहीं दिखाएंगे तो उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन का जो आर्क है वो कैसे दिखाएंगे. तो वो उनकी बेचारों की बॉडी की लैंग्वेज बड़ी अपोलोजेटिक थी. वो हमारे अपने जैसे ही लोग हैं, हमारे अपने हैं, अभी कमेटी में बैठ जाने से थोड़ी अलग हो जाते हैं. तो उनकी एक ओवर आर्चिंग कोई पॉलिसी थी जिससे जिसके अंदर वो जिसके तहत वो उन्होंने वो कहा. तो हमने कहा कि हम खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये, और हम सीधा ट्राइब्यूनल के पास गए, और ट्राइब्यूनल ने वही किया हमारे सारे इंसाफ जो हम डिजर्व करते थे. उन्होंने बिना किसी कट के हमें फिल्म दी. और इनफैक्ट वो जो महिला थी एक, उसने कहा कि मुकेश जी से कहा कि आपके पास पूरी पूरी स्पेस थी कि आप स्पेस पे फिल्म बना रहे थे, तो उसको आप थोड़ा सा और टिटिलेटिंग बना सकते हैं, मगर आपने बड़े जिम्मेदारी से फिल्म बनाई है. तो बिना किसी कट के हमको उन्होंने एक ए सर्टिफिकेट दिया. एक बात कहना चाहूँगा, एक हम शूटिंग करते थे पहले एक पुरानी मिल में, टाउन में, नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुकेश, पूरी खंडर, कोई नहीं वहाँ पे, सब मशीन जल गए. तो बाहर एक वॉचमैन बैठा करता था. मैंने बोला तू वॉच क्या कर रहा है, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं. तो मुझे लगता है CBFC का ऐसा है कि सब लोग फोन वीडियो पे देख रहे हैं, फोन टेलीफोन पे देख रहे हैं, इंटरनेट पे देख रहे हैं, वो कुछ गार्ड कर रहे हैं जहाँ पीछे कुछ है ही नहीं. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कब ये सिलसिला इनका बंद होगा. इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है. मेरा क्वेश्चन पत्रलेखा से है. आफ्टर डूइंग द सिटी लाइफ मेनी बायोपिक्स वाज ऑफर्ड टू यू बट यू रिजेक्टेड. मी आई नो द रीजन बिहाइंड दैट. आफ्टर सिटी लाइट्स, इट्स कॉल्ड सिटी लाइट्स. And after City Lights, I wasn't offered too many roles. 6 महीनों के बाद मैं गई भट्ट साहब के पास कि please मेरी मदद कीजिए. We have heard about biopic. Biopic like, मैंने कभी बताया ही नहीं. Actually, I have read one article. You must have read the wrong thing. Yeah, thank you. Yes, yeah. Series क्या है? जी. नहीं, वो ऐसा ही सवाल है, मगर मैं जवाब देता हूँ. ये एक्चुअली टी सीरीज़ का ये धंधा है, वो पिक्चरें प्रोड्यूस करते हैं. तो भट्ट साहब के साथ, विशेष फिल्म के साथ, उन्होंने बहुत सी पिक्चरें बनाई हैं. दिल है के मानता नहीं, सड़क नहीं, सड़क नहीं, सिर्फ दिल है के मानता नहीं. उसके बाद आशिकी, फिर आशिकी 2, लव गेम्स है, फिर राज 4 आ रही है, आशिकी 3 चर्चित है. तो ये सारा काम तो साथ में हुआ ही है, प्लस विशेष फिल्म का म्यूज़िक हमेशा अच्छा होता है, और टी सीरीज़ का बिज़नेस है म्यूज़िक का, तो म्यूज़िक का भी बिज़नेस साथ में होता है.
तो ये कारण है. लव गेम्स की बात करें हम, थैंक यू. अच्छा, देयर इज अ ए भाई, एक मिनट, म्यूजिक तो एकदम फटाक से ऑन कर देता तू यार. देयर आर सम रिफ्रेशमेंट्स, इज दैट राइट? एंड वी वुड वी हैव द डॉक्यूमेंट्री ऑन स्विंगर्स दैट वी हैव मेड. वी हैव एक्चुअली स्पोकन टू एक्चुअल स्विंगर्स. आई वुड अर्ज यू टू हैव रिफ्रेशमेंट्स एंड वेट एंड वॉच दैट डॉक्यूमेंट्री. ओके, थैंक यू वेरी मच. Hold on a second.